हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग कंग्रेचुलेशन कि आपने इस वीडियो पे क्लिक करा, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा होगा इस टाइम पर। लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, उंगलियों पे तुम गिन सकते हो, इतने कम टाइम तुम्हारे पास में बोर्ड एग्जाम के लिए बचा हुआ है। और लगना भी चाहिए इस टाइम पर डर, ठीक है? तो डर लगना एक मामूली बात है, नॉर्मल बात है, तो उसको ज़्यादा टेंशन मत करो कि हमें डर लग रहा है, हमसे कुछ हो नहीं रहा है। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो यार, आज की वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल शेयर करूंगी, जो लास्ट के 15 दिन में तुम्हें एग्जैक्टली बस वही फॉलो करते जाना है, बिल्कुल आँख बंद करके। और इस वीडियो के बाद में किसी भी और वीडियो पे सर्च नहीं करना जाके कि भाई लास्ट के 15 दिन में हम क्या करें, कहीं पर भी सर्च नहीं करना। चुपचाप जाके बस इस वीडियो को देखो, फॉलो करो इसको जाके एकदम हार्टली, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो करा, अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है? तो देखो यार, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले यार, मैंने टाइम टेबल तुम्हारा लिख रखा है। 19 फेब को तुम्हारा हिंदी का पेपर है, ठीक है? जो बच्चे हिंदी का पेपर दे रहे हैं, 22 को तुम्हारा इंग्लिश का है, 27 को केमिस्ट्री का है, 4 को फिजिक्स का है, 9 को मैथ्स का है, 12 को फिजिकल एजुकेशन है, और 19 को तुम्हारा बायो का पेपर है। तो यार, ऑन एन एवरेज मान के चलते तुम्हारे पास गैप डेज ना काफ़ी कम है। एक बायो के पेपर में हमारे पास में गैप डेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाकी के पेपर्स में गैप डेज कम है, यानी मतलब 4 से 5 दिन अपन ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। तो यार, इतने कम गैप डेज में हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम गैप डेज में अगर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लें। 4 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो अभी के दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल है, तो इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो यार देखो, मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कब कब कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल। दूसरी चीज़ कि कहाँ से पढ़ना है ये और बता दूंगी, प्रॉपर बेस्ट रिसोर्स बता दूंगी, और कहाँ क्या स्ट्रैटेजी फॉलो आपको करनी है। चुपचाप बस इस वीडियो को सुनते जाओ, ठीक है? सबसे पहले देखो यार, मैंने तुम्हारा जो टाइम टेबल बनाया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो उनको पता है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मैं आपको 12 आवर्स का स्टडी रूटीन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? एंड इट्स बीन 12 टू 13 डेज मैं आपको ये रूटीन प्रोवाइड कर रही हूँ, और काफ़ी बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। उनका 1/4 सिलेबस तो मैं पक्का श्योर हूँ कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उस रूटीन को फॉलो करते हुए, 1/4 या मे बी उससे ज़्यादा। तो जिन बच्चों ने वो रूटीन फॉलो किया है day 1 से, उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो यार 10 फरवरी तक मेरे हिसाब से, मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा थोड़ा बैकलॉग रह गया होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपन कवर अप कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा 70-80% तो कंप्लीट हो ही जाएगा 10 फेब तक, ठीक है? अब जो बच्चे हैं कि भाई 10 फेब के बाद में हमें क्या करना है, तो 11 से लेकर यार 15 फरवरी तक तुम्हारे पास में टाइम मानती हूँ मैं, क्योंकि 19 को जो बच्चे हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं ना, तो वो हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, 16, 17, 18 तीन दिन हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। हालांकि जो मैंने रूटीन प्रोवाइड किया उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, मैंने एक बार पूरा सिलेबस आपको आज के दिनों के अंदर मैंने रिवाइज करवा दिया आपसे, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो अपन कर लेंगे। जिस भी दिन जिस भी चीज़ का एग्जाम है, 2-3 दिन पहले एटलीस्ट हमें वही सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ठीक है? जैसे हिंदी का पेपर 19 को है, तो मैं 16, 17, 18 इन तीनों दिन को मैं प्रॉपरली किसके लिए दूंगी, हिंदी पर ही दूंगी, ठीक है? तो इस चीज़ को फॉलो करके चलना है। 11 से 15 फरवरी तक मैं मान के चलती हूँ तुम इसमें बाकी के सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होगे। ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए वो वाले होने चाहिए जो तुम्हें टफ लगते हैं। देखो यार, मैं बोल दूंगी तुम्हें मैथ्स रिवाइज करना है, तुम्हें इंग्लिश रिवाइज करना है, तुम्हें बायो रिवाइज करना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम रिवाइज करो। जो भी तुम्हें ईजी लगता है ना, उसको एक बार होल्ड पे डाल दो, जो तुम्हें टफ लगता है, जो तुम्हें थोड़ा सा मॉडरेट टाइप लगता है ना, उसको पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट के टाइम पर जब आपके पास गैप डेज होंगे ना, तो गैप डेज में आप टफ टॉपिक को उठाओगे, टफ चैप्टर को उठाओगे ना, तो वहाँ एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो वो मैं नहीं चाहती कि लास्ट में गैप डेज में आपके पास एंजाइटी बढ़े। तो अभी क्या करना है ना आपको, कि 11 से 15 फरवरी तक अपन करेंगे टफ टू मॉडरेट चैप्टर्स को उठाएंगे, ठीक है? 70-80% रिवीजन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो मेरा स्टडी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश, बायोलॉजी, जो भी तुम्हें लगता है उनको रिवाइज करते जाओ, सिर्फ रिवाइज करते जाओ, ठीक है? 70-80% उसको रिवाइज कर लो, बाकी का बचा हुआ अपन गैप डेज में रिवाइज कर लेंगे। तो यार उनके लिए तो यही करना है। जो बच्चे हैं जो मेरा रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो पहले तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और दूसरी चीज़, मैं आपके लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आई हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आप वीडियो एंड तक देखोगे तो पता चल जाएगा, प्लीज़ एंड तक देखना। तो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो अब स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आ रही है 3 फरवरी को, मैं मान के चलती हूँ कि 4 फरवरी से मैं रूटीन आपसे फॉलो करवा रही हूँ। 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको ये रूटीन फॉलो करना जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? 4 से 15 तारीख तक हमारे पास में रहते हैं 12 दिन, 15 फरवरी तक ही शेड्यूल बता रही हूँ आपको। तो आपके पास में जो 12 दिन होते हैं, 12 दिन के हिसाब से यार एक सब्जेक्ट को आपको 3 दिन तो एटलीस्ट देने ही देने हैं, ठीक है? तो मैंने क्या करा ना,
जैसे कि 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7, 8 और 9, ये जो आपके पास में 6 दिन रहेंगे, इन 6 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, जो केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, मतलब दो सब्जेक्ट का कोई भी कॉम्बो चूज करो जो तुम्हारे लिए टफ लगता है और जिसका पेपर थोड़ा पहले भी है। ऐसा नहीं कि तुम एकदम से फिजिक्स को चूज कर रहे हो, फिजिक्स का पेपर मार्च में है तो हम पहले फिजिक्स को ले लेंगे, फिजिक्स को भी लेंगे बट पहले आप केमिस्ट्री को ले लो क्योंकि आपका इंग्लिश के जस्ट बाद में केमिस्ट्री आएगा, ठीक है? तो हम केमिस्ट्री को उठाएंगे, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पहले कवर अप करेंगे ताकि वो एक बर्डन जो है ना वो खत्म हो जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपन केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर चलते हैं, ठीक है? तुम रिवाइज कर रहे हो, जो बच्चे मैथ्स के हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो बच्चे मैथ्स के नहीं है वो बायो को ले सकते हैं यहाँ पर। और बायो के लिए यार मैं तुम्हें बता दूँ, मैं ना एक सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें पूरा का पूरा बायो कंप्लीट करवाऊंगी, हर दिन एक चैप्टर, मेरे साथ बैठकर 1 घंटा बैठना, सिर्फ 1 घंटा आपसे मांग रही हूँ, 1 घंटा बैठकर सिर्फ बोर्ड के हिसाब से जो जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट हर चीज़ हाईलाइट करवाऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी। अगर आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा काम किया कि हमने 1 घंटा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो यार ये एक मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ आपके लिए कि क्लास 12th बोर्ड्स की बायो का कंप्लीट फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाऊंगी। लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो फटाफट जाके रिमाइंडर सेट कर लेना और मेरे साथ में यार आने वाले 10 से 15 दिन रोज़ एक एक चैप्टर बायो का करते जाना, ठीक है? तो ये एक एक चैप्टर तुम बायो का करते जाओगे ना तो तुम्हें बायो में पता नहीं चलेगा तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा एक बार, और बाद में जब तुम्हारे पास गैप डेज मिलेंगे ना तो तुम एक बार और रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि बायो यार ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार रिवाइज करोगे ना तभी दिमाग में आएगा, अदरवाइज आपको लगता है कि आप गैप डेज में जाके बस 10 दिन रहेंगे, 10 दिन में चलो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बायो, एक बार पढ़ तो लोगे लेकिन भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आंसर्स भूल सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कवर अप कर लो, ठीक है? 15 फरवरी से पहले पहले आप अपना सब कुछ कवर अप कर लो। तो मैं ना 6 तारीख से ये सीरीज लेकर आ रही हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वेदांतु नी टॉपर्स चैनल के ऊपर ये सीरीज आएगी। एक बार बस ट्राई करके देखना, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हम एक एक करके ऐसे सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे, ठीक है? तो पहला तो ये हो गया, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 6 दिन के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री बायो या केमिस्ट्री और मैथ, जो मैथ वाले हैं, है ना, ये करना है। और इन 6 दिनों में 2 सैंपल पेपर लगाने हैं, मतलब हर तीसरे दिन 1 सैंपल पेपर लगाना है। अब सैंपल पेपर वो भी तुम्हें बेटर लगता है या तुम लॉन्ग टाइम से जो लगाते हुए आ रहे हो वो लगा सकते हो। फिर है 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 6 दिन में तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश को उठाना है, इंग्लिश के साथ फिजिक्स को उठा लेना, ठीक है? फिजिक्स को उठा के फिर बायो भी तुम लगातार, मतलब एक एक चैप्टर रोज करते जाओगे ही तो बेटर हो जाएगा, तुम्हारा बायो काफी इजीली हो जाएगा, बर्डन नहीं पड़ेगा एक साथ में। तो फिजिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी उठा सकते हो। अगर तुम फिजिकल एजुकेशन तुमने नहीं किया हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन में काफी कम गैप डेज बचे हुए हैं, तो फिजिकल एजुकेशन उठा सकते हो। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हो, एग्जैक्टली ये भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी टफनेस के अकॉर्डिंग आप इसका मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 को मैंने बोला है आपको केमिस्ट्री एंड मैथ्स उठाने के लिए या केमिस्ट्री एंड बायो उठाने के लिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन तारीख को उठाने के लिए बोला मैंने फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है? इसके साथ तुम बायो भी थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ठीक है? अब आती है तुम्हारी हिंदी की बारी, जो बच्चे हिंदी का पेपर देने जाएंगे 19 को, 16, 17, 18 प्योरली हिंदी पढ़ना है, सिर्फ हिंदी, क्योंकि देखो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पर आप रटोगे तब भी होगा काम, तो हिंदी रट सकते हो आराम से लास्ट के 3 दिन में आके, ठीक है? अगर है तुम्हारा हिंदी का पेपर, नहीं है तो फिर बहुत ही बल्ले बल्ले, अपना दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे तक करते जाएंगे। 19 तक तो एटलीस्ट हम सारे जो बाकी के मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे, उसके बाद 20, 21 हमारे पास 2 दिन रहेंगे, या 19, 20, 21 3 दिन ले लेंगे, 18 तक हम मेन फोकस करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट्स पे, बाकी के लास्ट के जो 3 से 4 दिन होंगे वो अपन इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ऐसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है? तो मैंने पूरा टाइम टेबल इस हिसाब से बता दिया यार, और ये टाइम टेबल ना मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, जिस बच्चे को समझ नहीं आया होगा, मे बी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं टेलीग्राम पर ये PDF शेयर कर दूंगी। और मैं जो बच्चा मुझे फॉलो करते हुए आ रहा है ना, जिसने स्टडी रूटीन में हिस्सा ले रखा है, जो रोज फॉलो कर रहा है मुझे, वो तो अपना उस हिसाब से ही चलाएगा जिसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके अंदर ये तो हम रिवाइज करेंगे फिजिक्स और इंग्लिश, और इसके साथ साथ में हिंदी, और यहाँ पर अपन करेंगे 2 और सैंपल पेपर्स। तो बस इतने ही सैंपल पेपर्स करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। एक सैंपल पेपर आपका CBSE वाला ज़रूर होना चाहिए जो उसने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना उनको और कर लेना बस। और प्रीवियस ईयर पेपर बायो के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मेरी क्लास में आना, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मार्क करवा दूंगी, उनके PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार।
तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, और इस हिसाब से आप अपने लास्ट के 15 दिन को प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर अब प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है, साथ में रिमाइंडर सेट कर लेना, नीचे वीडियो का लिंक दे रखा है मैंने, जो भी मेरे सेशंस आने वाले हैं 6 तारीख से, टाइमिंग आपको पता चल जाएगा वहां पर, 6 तारीख से मेरे सेशंस आएंगे, तो प्लीज फटाफट से एक बार जाके रिमाइंडर सेट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना, क्योंकि बोर्ड्स के बाद में जो बच्चे नीट का पेपर देने वाले ना उनके लिए बहुत 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 बेस्ट चैनल है वो, ठीक है, जिसपे मैं ही आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप नीट के लिए भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक मैंने फॉर्म दे रखा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें आपको अगर कोई क्वेरीज आती हैं, बच्चे जो बोर्ड और नीट दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज राइट डाउन उस फॉर्म के अंदर फिल कर देना जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, ठीक है, जो नीट वाले बच्चे हैं। तो सी यू सून, और जल्दी जल्दी से बस तैयारी शुरू कर दो। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए 1% का भी कि ये हो गया वो हो गया, स्कूल जाता हूँ कोचिंग जाता हूँ, सब छोड़ दो, सिर्फ काम फोकस करना है अभी 15 दिन पे। हमें प्रॉपरली ऐसे फोकस करना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए बस मुझे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। आप मेरे साथ में बायो पढ़ना 6 तारीख से स्टार्ट कर देना, ठीक है, उससे पहले जो मैंने बताया वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करके उनको पढ़ना शुरू कर दो, और 6 तारीख से प्रॉपर अपन बायो पढ़ना शुरू करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ बैठना, आपको लिटरली वर्दी लगेंगे वो सेशंस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एंड कॉमेंट सेक्शन में लिख देना #ready, एंड 15 डेज का चैलेंज ही है यार, एक टास्क है बहुत बड़ा, इसको कंप्लीट करना है। कॉमेंट सेक्शन में #ready लिख देना। सी यू सून, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।